दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। अभी तक हम बात करते थे जब भारत किसी और देश से हथियारों को खरीदता था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं तीन खबर देने जा रहा हूँ वो तीनों ही खबर भारतीय हथियारों की खरीद को लेकर है। यकीनन ये वीडियो देखकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। इसी महीने भारत को फिलीपींस से ब्रह्मोस का ऑर्डर मिला और मॉरिशियस से हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिलने के बाद अब भारत को और बड़े ऑर्डर मिलने जा रहे हैं जो कि डिफेंस मार्केट में एक बड़ा तहलका लाने वाली है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया और यूएई की बात करते हैं जहां से भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और तीसरी खबर में जो भारतीय प्राइवेट कंपनी को स्विच ड्रोन का ऑर्डर ऑलरेडी मिल गया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें जिससे डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। पहले बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, जहां से तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर HAL की तरफ से न्यूज आई है। दरअसल हम यहां पर तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की तरफ से तेजस को मलेशिया और अर्जेंटीना को ऑफर करने की कोशिश की जा रही है और आगे चलकर ये दोनों ही देश तेजस भारत से खरीद सकते हैं। वहीं अभी कल ही ये खबर आई है कि HAL की तरफ से तेजस का ऑफर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक टेंडर फ्लोट किया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के लिए एक नए फाइटर जेट को खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। वहीं HAL की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को तेजस का ऑफर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट ढूंढ रहे हैं जो कि ट्रेनर और एयरक्राफ्ट दोनों का ही एक तरह से मिश्रण हो। इसमें तेजस के जिस वेरिएंट का ऑफर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है वो स्टैंडर्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं यह एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। HAL को लगता है कि स्टैंडर्ड में इस एयरक्राफ्ट के सेलेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। वहीं मलेशिया में भी तेजस के सेलेक्ट होने के चांसेस काफी हाई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तेजस को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो ये कमाल ही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ जो कि स्विच ड्रोन को लेकर है। दरअसल चीन पर नजर रखने के लिए 2021 में खरीदे गए उच्च ऊंचाई वाले सामरिक ड्रोन के बढ़िया प्रदर्शन के बाद सेना और ऐसे ड्रोन खरीदने वाली है। इसे लेकर सेना ने एक भारतीय स्टार्टअप को ऑर्डर भी दे दिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि हाई एंड्योरेंस और टेक्निकल फीचर्स के साथ स्विच सामरिक ड्रोन सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पिछले साल जनवरी में मुंबई स्थित फर्म से खुफिया निगरानी और टोही के लिए ड्रोन के पूरे सेट की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। लद्दाख में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर भारत और चीन के बीच करीब 2 साल से गतिरोध जारी है। सामरिक ड्रोन के अलावा सेना ने बड़े मानव रहित हवाई वाहनों को लेकर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय सेना सैटेलाइट के जरिए भी निगरानी कर रही है और भारतीय नौसेना के PAT जैसे विशेष विमानों का इस्तेमाल कर रही है। नवम्बर 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय सेना को स्विच ड्रोन सौंपे थे। अब एक बार बहुत शॉर्ट में स्विच ड्रोन की खासियतों को देख लेते हैं। इसको पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया है। इन स्विच ड्रोन का वजन करीब 6.5 किलो का होता है। यह हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम होते हैं। कम तापमान, तेज हवाएं और हवा के कम घनत्व के साथ उच्च ऊंचाई में भी यह ड्रोन 2 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। वहीं इन ड्रोन को कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। ये 15 किलोमीटर तक निगरानी करने में सक्षम होते हैं और 4000 मीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया जा सकता है। तो इसी ड्रोन का ऑर्डर भारतीय सेना ने भारतीय कंपनी को दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। इससे हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए बचते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अंतिम खबर की तरफ जो कि यूएई की तरफ से आई है। जैसा कि आप डिफेंस न्यूज का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके मुताबिक यूएई भारत से बराकेट मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। यूएई और यमन के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ रही है जिस कारण अरब देशों को इस तरह के डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। भारत ने पिछले साल पाकिस्तान के बॉर्डर पर जैसलमेर साइड में बराकेट मिसाइल सिस्टम की ही तैनाती की थी। ये काफी सटीक प्रणाली है, यहाँ तक कि हमारे युद्ध पोतों में भी बराकेट मिसाइल सिस्टम को लगाया गया है। इसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO ने जॉइंटली बनाया है। यह एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि 150 किलोमीटर पहले ही किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। अरब देश रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके अमेरिका से संबंध काफी अच्छे हैं और अमेरिका प्रतिबंध भी लगा सकता है। उनके पास अमेरिकी थार डिफेंस सिस्टम मौजूद है लेकिन वो हर जगह पर इसको नहीं लगा सकते। बराकेट को आर्मी और नेवी दोनों ही यूज कर सकती है। यही कारण है कि UAE इस डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस बात में कोई शक नहीं कि जब से ब्रह्मोस की डील हुई है भारत के हथियारों की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।